हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, मैं अमित आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो घर से ही, और मैं आज जो वैसे भी काफी ज्यादा शाम हो गया तो फिर मैं घर पे भी काफी ज्यादा बोर हो रहा था। इनफेक्ट यार लॉकडाउन है, चलो ठीक है, ये सोशल डिस्टेंस का रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कैक में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो गवर्नमेंट ने जो रूल लगाया हुआ है तो अपन को फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली सेफ्टी इशू भी है ना, तो इसी वजह से हम लोग बस यहाँ से भी मैं पैदल पैदल जाने वाला हूँ, दोस्त के बाड़ी पे जाने वाला हूँ। वहाँ पे हल्का सा कुछ है, और स्पेशली वहाँ का जो क्या 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 लीची लगा हुआ है और कुछ कुछ आम है, स्पेशली मैं वो थोड़ा सा अगर बड़े होंगे तो शाम को चटनी बनाने के लिए लेकर के आऊंगा वहां से, ठीक है। और उसके बाद में और एक चीज, वहां पे एक अजीब सा फल आता है, एक फल आता है जिसको हम चेरी टमाटर बोलते हैं, मैं वो वहां भी वो जाके दिखाने वाला हूँ। और वहां पे कैसे कैसे रहता है, क्या क्या रहता है, कैसे कैसे छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, वो सब आप लोग को मैं बिल्कुल वहां पे जाके दिखाने वाला रहता हूँ, ठीक है। आ गया हूं और यहां देखता हूं कुछ आप लोगों को, कुछ स्पेशल चीज दिखाने वाला हूं ना। आप वीडियो पे बने रहो मेरे पास में। आप बगैर इसमें आम नहीं चला है, हाँ छोटे छोटे ऊपर में छोटे छोटे मोर है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बगल वाला बड़ा जबरदस्त दिख रहा है यार, ये देखो फ्रेंड्स, ये लोग देखो छोटे छोटे आम, और इस आम के पौधे का साइज देख रहे हो, पेड़ नहीं हुआ है एक्चुअली, ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो और इसको ये तो नहीं तोड़ूंगा यार, काफी ज्यादा छोटे छोटे, इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉर थोड़ा सा बिग साइज वाला, वो भी नहीं मिल रहा आम। अरे चटनी नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा मीठा लगेगा, तो फिर इसके अलावा मैं तो ये नहीं तोड़ने वाला हूँ। लेकिन चलो ठीक है यार, आम कितना अच्छे अच्छे हैं यार, छोटे छोटे। यहाँ पे मैंने घर से इधर उधर पे देखे थे, लेकिन बड़े पेड़ पे देखे थे ना, तो बड़े पेड़ पे हैं जरूर, लेकिन ये छोटे वाला अभी ना, जो कलमी वाला आम है ना, वो सब मिल नहीं रहा है ज़्यादा। तो ये, अरे यार यहाँ पे एक लीची का भी पेड़ है, देखिए लीची का, नज़दीक आ जाओ, आप नज़दीक आ जाओ, मेरे को दिखाओ यहाँ पे कैमरे पे अच्छे से। देखो मोर आने के बाद मैंने लीची भी काफ़ी अच्छे से फलने लगे हैं ना, वो अपना ही काम आएगा, काफ़ी दिन के बाद में मेरा ही काम आना है। इनफैक्ट मैं तो हर एक डेढ़ महीने में आते रहता हूँ, दोस्त के घर पर घूमने आते रहता हूँ, तो देखूंगा उसके बाद में जब भी पक जाएगा तो मेरा ही ये समझो। जब भी मन किया मैं आराम से, ओह माय गॉड, ये चींटी काट रहा है भाई। हाँ, ये भी जब भी पक जाएगा तो मैं ही आ जाऊंगा उसको खाने के लिए, तोड़ के ले जाऊंगा, वैसे भी दोस्त मेरे को क्या बोलने वाला है। तो गाइस अभी मैं फिर से जाने वाला हूँ ये चेरी टमाटर के सेक्शन पे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे टमाटर कैसे फलते हैं, छोटे से पौधे, मतलब वो ना रांझ वांझ बोलते हैं इधर गाँव वहाँ पे, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ना जो पौधे होते हैं ना टमाटर, वो पौधे नहीं है एक्चुअली, रंग रंग वाला है, जैसे करेले फलते हैं ना उस पैटर्न पे वो फलता है, नॉर्मली गाँव पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलो मैं आप लोग को उधर पे दिखाता हूँ। अगेन वेलकम गाइस, मैं फिर से चेरी टमाटर के सेक्शन में आ गया हूँ। एक्चुअली और बड़े बड़े टमाटर हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा उधर पानी होने, अभी जैसे कैनल के माध्यम से पटा लेते हैं ना, या फिर स्प्रिंकलर लगा होता है उसके माध्यम से पटा लिए, तो वहाँ पे पैदल चलने में थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है, यू नो पैर थोड़ा सा धंसेंगे, जमीन गीले गीले है ना, तो इसलिए मैं उधर नहीं जाने वाला हूँ, नहीं तो पैर पूरे कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे मेरे। और फ्रेंड्स मैं ये देखो, मैं आप लोग को जो दिखाने वाला था ना, इसको बोलते हैं चेरी टमाटर, कैन यू सी दैट, खट्टा खट्टा है एक्चुअली ना फ्रेंड्स, गाँव पे ना हर घर में आपको मिल जाएगा पता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है आप ना लार्ज स्केल में नहीं कर सकते हो। एक फ्रेंड है मेरा पंकज बागची, लास्ट टाइम वो बैंगलोर गया हुआ था, तो बार बार पे बैठा था वो, हल्का उसने कॉम्प्लीमेंट मंगाया चेरी टमाटर का, तो उसको ना टूथपिक के साथ में 6 पीस दिए थे, और चार्ज कितना किए थे पता है, 350 रुपये। तो उस बंदे ने मेरे को बोला यार तेरे साइड में इसका प्रोडक्शन तो अच्छा होता होगा, मैं बोला हाँ यार इनफेक्ट होता है तो है। तो उसने मेरे को इसका रेट का मेंशन किया, पता है क्या बताया उसने, कि ना यार 450 से 500 रुपये प्रति किलो मिलता है उसका प्रोडक्शन, ना अच्छे पैमाने में अगर कहीं करते हो तो उसको यू कैन सेल, कहीं पे बाहर में आप बेच सकते हो। लेकिन यार ये ऐसा है ना कि इसका हम लोग छोटे छोटे पैमाने पे ही कर पाएंगे ज्यादा, इसका मेन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, इससे जैसे इन लोग कपल में शायद उगाते हैं, इसका भी एक्चुअली फॉर्मूला नहीं पता यार कि कैसे कैसे इन लोगों को उगाया जाता है पौधों को, लेकिन घर में छोटे छोटे, लेकिन जिसका अगर बहुत ज्यादा इसको ब्रॉड अगर फैला देंगे ना तो सक्सेस नहीं होता, ये फिर फलने नहीं लगता, इनफेक्ट मर भी जाता है, पौधे भी मर जाते हैं। और हाँ ये तो मतलब एक्चुअली बोलते भी हैं इधर की यार 12 मास है हमेशा, मतलब 12 मास मतलब 12 सीजन में, 12 मास मतलब समझ रहे हो, 12 सीजन में फलते रहता है अगर बराबर पानी पड़ते रहे तो, और खट्टे भी काफी रहते हैं। और इसको ना मैं आप सीरियसली बात बताऊं तो फिर जैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े टमाटर के जो चॉप्स लेते हैं ना, जैसे सब्जी में बनाते हैं या फिर सलाद खाते हैं, तो उतना ज्यादा क्वांटिटी इसमें मिलाने की जरूरत नहीं होती अपन ना, जैसे देखो साइज भी देख रहे हो यार, जो हम लोग छोटे थे ना कंचे खेलते थे माटी के बराबर, तो माटी के बराबर बराबर साइज है इसके, तो इसमें आप कोई भी सब्जी जैसे भिंडी की हो गई, आलू की हो गई, मटर की सब्जी हो गई, कुछ भी आप दो से चार पीस यूज करो, हल्का सा उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाएगा और ना आपका सब्जी ना बिल्कुल टेस्टी बन जाएगा। तो गाइज मेरा यहाँ, मैं इसके बाद में आने के बाद में कुछ कम से कम आधा केजी यहाँ पे आ गया हूँ, तो आधा केजी के आसपास मैं तोड़ूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से घर जाने वाला हूँ। इनफैक्ट शाम भी काफी हो गया था और फिर एक्चुअली बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, तो बस जो भी वीडियोस कर रहा हूँ मैं घर से या फिर घर के अड़ोस पड़ोस जाके या फिर ग्राउंड साइड में जाके वीडियोस कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, आप लोग बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ में फिर से मिलूंगा, और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा यार, हल्का आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा एंटरटेन कर लूँ बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।